सकीना, बेटी की रुखसती भी कोई इस तरह से होती है? चाहते हुए तो तुमने सारा के सर पर हाथ भी नहीं रखा। बेगम हाजरा ने भी इस चीज को महसूस किया। बेटी रुखसत नहीं की, अपनी इज्जत का जनाजा उठाया। बताओ हमीदा, ऐसे शादियां होती हैं बेटियों की? अम्मी अब बस भी करें, शुक्र करें कि वलीद जैसा दामाद मिला आपको और इतना अच्छा ससुराल साहिरा को। साहिरा भी तो ऐसा ही घर चाहती थी। खाला जान, क्या साहिरा की सास आपको पहले से जानती हैं? हाँ, हाजरा बेगम जानती हैं, उनकी दोस्त के कपड़े सीती हूँ ना। लेकिन आज उनकी खामोशी ने मेरी लाज रख ली। बस अब दुआ करो कि सारा भी तुम्हारी लाज रख ले। अम्मी ये तो वलीद का बड़ापन है, वरना वो कहाँ और हम कहाँ। और आप प्लीज अपने आप से शर्मिंदा मत हो। साहिरा वलीद के पास सिर्फ कपड़े बदलवाने गई थी और वलीद ने साहिरा को वहीं पसंद कर लिया। और जैसे ही मैंने उससे शादी के लिए पूछा, वो फौरन मान गया। और इसके अलावा और कुछ नहीं था उनके दरमियान। बस खाला जान, अब आप भूल जाएं सब कुछ, अल्लाह ताला ने बहुत इज्जत रख ली हम सब की। अच्छा मैं चाय बना कर लाती हूँ। हमीदा अब मेरी अमानत लौटा दो, मैं हशमत की शादी करना चाहती हूँ। सकीना तुम जब कहोगी सब कुछ हो जाएगा, मेरी पूरी तैयारी है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तारीख दे दो। कैसा लगा अपना गाना? बहुत खूबसूरत है। अकबर जरा एक पिक्चर तो ले ले, उसको जैद को भेजनी है, बेचारे ने शादी भी नहीं अटेंड की, बहुत मिस कर रही हूँ उसे। ये रहे आपका हुक्म सर आंखो। अरे तो मैं आपने इनवाइट क्यों कर लिया, इतना आपका फेस ही नहीं नजर आ रहा। वो मैं जैद को सरप्राइज देना चाहती हूँ। तो बहू आ गई, ऐसी सरप्राइजेस आपको मिलती ही रहेगी। अच्छा मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। मैं अभी चलता हूँ, चाय बना दो शुरू कर जल्दी से। एक्सक्यूज मी, हम भी चले। कहाँ? अपने रूम में। पहले मुझे घर तो देखने दे। सीरियसली आप पहले घर देखना चाह रहे हैं? जी जैसे आपकी मर्जी।